नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता, उनमें से हम पढ़ेंगे हड़बू जी। हड़बू जी सांकला, इनका पूरा नाम था हड़बू जी सांकला। हड़बू जी सांकला का जन्म है जो 15वीं सदी के अंदर, कब हुआ था? 15वीं सदी के अंदर बुंदेल गाँव नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी सांकला था तथा इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। बालीनाथ इनके गुरु का नाम था तथा आपने पढ़ा राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी, राम सा पीर, घोड़े वाले बाबा, उनके बारे में हमने पढ़ा। उनके भी गुरु कौन थे? बालीनाथ। तो बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी। कहाँ पर? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी है कहाँ पर दोस्तों? तो ये है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? ये है दोस्तों जोधपुर के अंदर। तो ध्यान रखना, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान के किस लोक देवता, राजस्थान के किन लोक देवताओं के गुरु की समाधि मसूरिया जोधपुर के अंदर है? तो रामदेव जी तथा हड़बू जी से संबंधित है ये। इससे आगे आप देखिएगा, मोसेरे भाई, हड़बू जी जो सांकला थे वे किनके मौसेरे भाई थे? ये थे रामदेव जी के। जब मैंने आपको रामदेव जी पढ़ाया उसी समय मैंने आपको बताया ये हड़बू जी सांकला जो है वो रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई लगते थे। देखिए इनकी सवारी कौन सी थी? हड़बू जी की सवारी थी सियार। सियार जिसे कहते हैं जंगली कुत्ता। सियार होगा, सियार एक होता है, एक जानवर होता है जो जंगल के अंदर रहता है, वो इनकी हड़बू जी की सवारी है। हड़बू जी के मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है वह राजपूत जाति का होता है, गोत्र उसका होता है सांकला जाति का। दोस्तों हड़बू जी का जो मेला है वो मेला कहाँ पर बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है तेजादशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे क्या कहा जाता है? तेजादशमी भी कहा जाता है। तो देखिए हड़बू जी से संबंधित जो जानकारी है वो हमने प्राप्त की। इसके अलावा इनके उपनाम क्या है? उपनाम इनके सन्यासी देवता, सन्यासी देवता, क्योंकि ये बचपन से इन्होंने क्या धारण कर लिया था? सन्यास धारण कर लिया था। ये गायों की सेवा किया करते थे और यहाँ से नागौर बुंदेल गांव नागौर छोड़कर के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट अंदर चले जाते हैं। बेंगटी है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट अंदर एक गांव है बेंगटी। बेंगटी के अंदर इन्होंने अपना कार्य किया। इनकी कर्मस्थली भी कौन सी कहलाती है? प्रश्न पूछा गया है कि लोक देवता हड़बू जी की कर्मस्थली कौन सी थी? पहला ऑप्शन था बुंदेल, दूसरा था बेंगटी जोधपुर। तो आपको ध्यान रखना है बेंगटी जोधपुर। इनको कहा जाता है सगुन शास्त्र का ज्ञाता। किनको कहा जाता है? हड़बू जी को। और गायों का सेवक, गायों के लोक देवता तो है तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, ये केवल किनके देवता है? ये है सारे के सारे मामा देव। ये किनसे संबंधित है? ये गायों से संबंधित है। परंतु ऐसे लोक देवता जो गायों के सेवक कहलाते हैं वो कौन से हैं? हड़बू जी सांकला। समकालीन किनके थे? जोधपुर के शासक थे राव जोधा। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया था 1459 ईस्वी को इन्होंने क्या बसाया? जोधपुर की नींव रखी थी, मेहरानगढ़ किला बसाया था। आशीर्वाद, हड़बू जी जो थे ये लोक देवता थे और इन्होंने आशीर्वाद दिया राव जोधा को। आपने इतिहास के अंदर पढ़ा था कि राव जोधा जो है इनके पिता थे राव रणमल, और रणमल इनके दादा का नाम था राव चूड़ा। अब रणमल जो क्या है वो अपनी इनकी जो बहन थी रणमल की हंसाबाई, उनका विवाह कर दिया जाता है मेवाड़ के जो शासक थे। मेवाड़ के शासक नाम बता सकते हैं आप कौन थे? राणा लाखा। राणा लाखा के साथ विवाह कर देते हैं। इस कारण इनका जो ज़्यादातर प्रभाव जो था वो मेवाड़ के ऊपर रहने लग गया था। जब शासक उनका पुत्र हंसा देवी तथा लाखा से पुत्र उत्पन्न हुआ मोकल। क्या नाम था? मोकल। मोकल नाम उनका था। मोकल जो पुत्र प्राप्त हुआ मोकल। अब मोकल के बाद के अंदर जो पुत्र प्राप्त हुआ मोकल से उसका था राणा कुंभा। क्या नाम था? राणा कुंभा शासक बना था। जैसे राणा कुंभा शासक बना तो वो क्या करते हैं? राव जोधा के ऊपर हमला कर देते हैं। तो राव जोधा वहाँ से बच करके जोधपुर से चले जाते हैं, और चले कहाँ जाते हैं? जंगल प्रदेश के अंदर। जंगल प्रदेश के अंदर
जब वहाँ से रात्रि का जो समय था, रणमल ने क्या किया था, रणमल ने सॉरी कुंभा ने कुंभा के रणमल की एक दासी थी उसको कहा कि आप क्या कर कीजिए, जहर दे दीजिए रणमल को। रणमल की दासी थी उसको कहा, जो उसकी प्रिया भी थी उसने उसको जहर दे दिया रणमल को। जैसे ही इसकी रणमल की पत्नी को पता चलता है, तब वे राव जोधा से कहती है कि भाग सके तो भाग जोधा, तरो बाप रणमल मरियो जाए। ये सी बात कहती है तो राव जोधा वहाँ से भाग जाते हैं, यानी कि वहाँ से चले जाते हैं। और कहाँ पर चले जाते हैं, वो चले जाते हैं जांगल प्रदेश। कहाँ पर, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश जान बचा कर भाग जाते हैं, परंतु राणा जो कुंभा है वो पीछे अपनी सेना देकर के भेजता है। किनको देकर के भेजता है, इनके जो भाई थे, यानी कौन थे इनके भाई, उनका क्या नाम था, क्या आपको पता है, भाई नहीं थे वो, राणा मोकल के भाई थे। क्या नाम था, राव राणा चूड़ा। राव चूड़ा तो थे जोधपुर के, जबकि राणा चूड़ा थे मेवाड़ के। वो सेना लेकर के इनके पीछे भागे थे। वो इतिहास से संबंधित जानकारी है, और कभी पढ़ेंगे, आज आप पढ़िएगा हड़बूजी से संबंधित। आशीर्वाद, हड़बूजी ने क्या किया, राव जोधा को आशीर्वाद दिया कि राव जोधा तुम में तो जोधपुर का शासन दिखता है, देख करके बोला। तो राव जोधा ने कहा, मैं जोधपुर का वैसे शासक ही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने क्या किया, हड़बूजी ने इनको कटार भेंट की। कटार जो होती है तलवार का छोटा रूप, कटार होता है, कटार भेंट की और कहा तुम जाओ और जोधपुर के अंदर जाकर के अपना राज्य स्थापित कर दो, पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लो, तुम अवश्य जोधपुर के बड़े शासक बनने वाले हो। ये बात किसने कही थी, कटार भेंट करके ये की थी हड़बूजी महाराज ने, हड़बूजी सांकला ने बात की थी। तो आइए देखिए अगली जानकारी देखते हैं, बेंगटी जागीर। राव जोधा इनसे प्रसन्न हो जाता है और क्या करता है, इनको दे देता है बेंगटी की जागीर। जोधपुर के अंदर एक जगह है बेंगटी, बेंगटी फरोदी के पास में है जगह है बेंगटी, उसकी जागीर दे देता है और साथ ही के अंदर एक बैलगाड़ी भी भेंट करता है। बैलगाड़ी के अंदर यह क्या करते हैं, हड़बूजी सांकला वैसे अपने सिर के ऊपर गायों के लिए चारा ला करके, पंगू जो ऐसी गायें जो चल नहीं सकती उनको चारा डाला करते थे। तो राव जोधा जैसे शासक बना तो राव जोधा ने क्या किया, राव जोधा ने इनको एक बेंगटी की जागीर दे दी और बैलगाड़ी भेंट कर दी। अब बैलगाड़ी से ये क्या करते थे, पंगू गायों की सेवा किया करते थे। अब इन्होंने क्या किया, इसके बाद में एक शासक आया अजीत सिंह, जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह जी। उन्होंने क्या किया था, हड़बूजी महाराज का बेंगटी गांव के अंदर क्या करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, मंदिर बनवाया था। अब मंदिर बनवाया है किसने, ये मंदिर जो बनवाया है ये बनवाया अजीत सिंह ने। पंगु गो सेवा, हड़बूजी महाराज ने, हड़बूजी ने जीवन भर पंगु गायों की सेवा की। इनको क्या कहा जाता है, गायों का सेवक कहा जाता है। पूजा, हड़बूजी के मंदिर में प्रतीक चिन्ह के रूप में बैलगाड़ी की पूजा होती है। किनकी होती है पूजा, बैलगाड़ी, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है ना ऊपर, ये देखो बैलगाड़ी किसने भेंट की थी, जोधपुर के शासक राव जोधा ने, मंदिर अजीत सिंह ने बनवाया। इनको क्या कहा जाता है, गो सेवा कहा जाता है। बैलगाड़ी प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजी जाती है। इन्होंने विरोध किया था, रामदेव जी ने, राजस्थान के लोक देवता जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित की थी, संत लोक देवता रामदेव जी, अब उनके मौसेरे भाई थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को कहा कि आप अपने कर्म पर विश्वास करो, कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म यानी कार्य करो, फल की इच्छा मत करो, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसी बात कौन कहते थे, ऐसी बात कहने वाले थे हड़बूजी सांकला। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया कि मूर्ति भगवान के, अगर एक पत्र के अंदर ही भगवान होते तो हर कोई पूज लेता, पत्र के अंदर भगवान नहीं, दिल के अंदर होने चाहिए। आप लोग क्या करो, मन के अंदर भावना रखो सत्कार्य करने की, अच्छे कार्य करने की, लोगों में भेदभाव की भावना मत रखो। साथ ही के अंदर इन्होंने तीर्थ यात्रा का भी क्या किया था, विरोध किया। समर्थन, तो इन्होंने विरोध किया, समर्थन किसका किया, इन्होंने समर्थन किया सत्संग, यानी कि अच्छा संगति, अच्छे रहो, भगवान का भजन करो। खेती हर वे निम्न जातियों का आध्यात्मिक खेती हर वे निम्न जातियों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। किन्होंने दिया था, समर्थन किया था इन्होंने, हड़बूजी ने। इन्होंने कहा था ऐसे जो लोग जो खेती करें उनको पता नहीं होता है भगवान की प्राप्ति कैसे करते हैं, ऐसे निम्न जातियाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ नहीं जा सकती उनको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था, हड़बूजी सांकला ने किया था। अब हड़बूजी जो सांकला थे वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राव जोधा के समर्थन में मंडोर का युद्ध हुआ था। मंडोर का युद्ध हुआ था 1453 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था दोस्तों, 1453
53 ईस्वी के अंदर। ध्यान रखना 1453 के अंदर युद्ध कौन सा हुआ था, मंडोर का युद्ध। मंडोर कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। यहाँ पर युद्ध कर रहे थे राव जोधा के साथ में, उसी समय ये क्या हो जाते हैं, मेवाड़ के। हमने अभी भी बात की मेवाड़ से ही राव जोधा भाग तो गया था, परंतु राव जोधा के भागने के पश्चात भी राणा कुंभा ने इनका साथ छोड़ा नहीं, पीछे से फिर भी क्या कर रहे थे, हमला कर रहे थे। तो मेवाड़ की सेना थी अक्का व अहाड़ा हिंगोला, इन्होंने क्या किया था युद्ध की, इन्होंने ये सेना लेकर के आए और सेना के अंदर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त कौन हो जाते हैं, हड़बूजी सांकला प्राप्त हो जाते हैं। फिर भी ये राव जोधा और मेवाड़ के जो शासक थे इनके मध्य आपसी युद्ध चलता रहता था। कारण क्या था, मुख्य कारण ये था कि जो राणा कुंभ है वह चाहता था मैं मेवाड़ के जो मारवाड़ के जो राठौड़ है उनका क्या कर दूंगा, वंश समाप्त कर दूंगा। बाद में हंसाबाई जो उनकी दादी थी, हंसाबाई के समर्थन में उन्होंने क्या किया, एक संधि की जिसे कहते हैं आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि, उस आवल बावल की संधि करके उन्होंने क्या किया, आपसे जो मतभेद था उसको दूर किया। अपनी जो पुत्री थी राव जोधा की जो पुत्री थी, उस पुत्री का विवाह राणा कुंभा का पुत्र था, राणा कुंभा का जो पुत्र था रायमल, उसके साथ विवाह करके आपसी संबंध बनाए तथा अपनी जो कहानी थी उसको समाप्त किया। दोस्तों यहाँ हमारा राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी महाराज से संबंधित जानकारी समाप्त होती है। फिर भी अगर कोई जानकारी बच गई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान के मुख्य एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। लोक देवता हड़बूजी सांकला, जन्म कहाँ हुआ, बुंदेलगांव नागौर के अंदर। पिता मेहाजी सांकला, गुरु बालीनाथ, और इनको बालीनाथ जी किनके गुरु थे, रामदेव जी के गुरु थे। रामदेव जी इनके क्या लगते थे, मौसेरे भाई लगते थे। सवारी इनकी थी, इनकी सवारी सियार की थी। पुजारी कौन, सांकला जाति के राजपूत मंदिर में पूजा करते हैं। कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, बेंगटी गाँव जोधपुर के अंदर मेला लगता है। उपनाम क्या है, उपनाम है सन्यासी लोक देवता, सगुन शास्त्र के ज्ञाता, गायों के सेवक इनको कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने साथ दिया राव जोधा का, और राव जोधा को कटार भेंट करके जोधपुर के शासक बनने की घोषणा की तथा इन्होंने साथ दिया था, साथ दिया था 14वीं सदी के अंदर राव जोधा के साथ में मंडोर का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर ये शहीद भी हो गए, इतना इन्होंने साथ दिया। ये जब इन्होंने पहले ही कटार भेंट की उस समय राव जोधा इनसे प्रभावित होकर के राव जोधा ने इनको बेंगटी की जागीर प्रदान की, और साथ ही साथ के अंदर इन्होंने इनको क्या किया, बेलगाड़ी भी भेंट की। अब हड़बूजी सांकला इनके मंदिर का निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने, जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह जी, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों यह बड़ा महत्वपूर्ण है, मंदिर का निर्माण कब करवाया, 17वीं शताब्दी के अंदर, 1721 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया था। अब प्रतीक चिन्ह के रूप में किन की पूजा होती है, प्रतीक चिन्ह के रूप में हमने अभी भी देखा, देखो बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, प्रतीक चिन्ह के रूप में बैलगाड़ी की पूजा होती है, प्रतीक चिन्ह के रूप में बैलगाड़ी की पूजा होती है। और इसके अलावा क्या होता है, और इसके अलावा ये प्रतीक चिन्ह के रूप में बैलगाड़ी की पूजा होती है, और इसके अलावा क्या जानकारी है, पंगु गायों की सेवा करते थे, क्या करते थे, पंगु गायों की सेवा करते थे। और इन्होंने क्या किया, विरोध किया मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा का, इन्होंने बड़ा विरोध किया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने समर्थन किया था दोस्तों निम्न वर्ग के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करवाने का और सत्संग करने का। ये कहानी थी राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी से संबंधित। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के कमेंट करना। साथ के अंदर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।